रीवा जिले के डभोरा वन परिक्षेत्र में वन अमले द्वारा की जा रही सर्चिंग के दौरान जंगली जानवर का शिकार कर लौट रहे दो शिकारियों को गिरफ्तार किया है। वनकर्मियों की टीम ने घेराबंदी कर न सिर्फ शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया बल्कि उनके कब्जे से मृत जंगली जानवर सहित शिकार में प्रयुक्त अवैध बंदूक व एक बाइक बरामद की है। मामले में वन विभाग ने पकड़े गए शिकारियों के विरुद्ध वन जीव अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। गुड़ा मामले के बाद वन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। लगातार जंगलों में वन कर्मियों द्वारा सर्चिंग की जा रही है। इसी के तहत पनवार थाना इलाके के घटेहा के जंगल में वन विभाग के द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। वन कर्मियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिकारी नीलगाय का शिकार कर रहे हैं। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर शिकारियों को पकड़ा। डभोरा वन परिक्षेत्र अधिकारी के मुताबिक जंगल में शिकार के दौरान पकड़े गए शिकारियों की पहचान राजू खान उर्फ मोहम्मद वसीम व निजाम मोहम्मद निवासी शिवपुर पनवार के रूप में की गई है, जिन्होंने बंदूक से गोली मार कर जानवरों का शिकार किया था। वन विभाग की टीम ने मृत जानवरों का पीएम करवाने के बाद दाह संस्कार किया। गिरफ्तार शिकारियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आज न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि दो फरार शिकारियों की तलाश की जा रही है। ये 20 तारीख की घटना है, दिन की घटना है। यूपी एमपी बॉर्डर के पास में गढ़ी चौकी से लगे हुए कुछ गांव थे, वहां पर कुछ व्यक्ति थे जो एक नील गाय को मार के वहां पर बैठे हुए थे। पब्लिक के लोगों ने देखा, उन्होंने जने थाना को गढ़ी थाने को खबर की, वहां से उसके बाद उनको जनसहयोग के माध्यम से पकड़ा गया था और फॉरेस्ट विभाग को सूचना दे दी गई थी। फॉरेस्ट विभाग द्वारा उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको जांच में ले लिया गया। आरोपियों को अभिरक्षा में लेके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो इस तरह की घटना करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक भरमार बंदूक ही जब्त हुई उनके पास से। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।